तैयार हूँ। अच्छा उदल, जो हम कहेंगे तू तो मान सकते हो? मैं काश को मान जाऊंगा। मुखिया बनने का सौखर बिना चुनाव बिना वोट को मुखिया बनना चाहता है। लाओ रक्षा माला काला में डाल दो। तू ये तो जंगल वाला बात है, जब तक नहीं मानिएगा तब तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तो ये कंधा पर हरिन दूसरे कंधा पर बालक। आप छोड़ दीजिए, मैं इनका खून पी। गरम बात को मानो, सुनो अगली बात है। इस जंगल में जाकर तू मना, अगर तुम्हारे जयकार से बोल गया तो हरदी तुम्हारी हुआ। कौन बोलेगा? जनता बोलेगा। जनता मेरा पॉकेट में है। बस पंछी बोलेगा। अरे सुनो, अगर तू भी जयकार मनाया बोल दिया सब तो तुमको हर मंजूर है। मंजूर है, मंजूर है। अरे जनता मेरा पॉकेट में है, पॉकेट में है। ये ठीक है, पॉकेट में है तो जयकार मनाओ, तो बोल देना तू लेना अपना हर। एक बार कहेंगे जनता सैकड़ों बार बोलेगा उदल महाराज की जय। देखो कौन जनता नहीं बोल रहा है। बोलिया दुर्गा महारानी की, बाबा गणपति की। फुटहा नेता चुनाव को टाइम आता है, नेता सब हाथ जोड़ जोड़ कर जनता को दरवाजे दरवाजे पर घूमता है, वोट ले लेता है, चुनाव जीत जाता है, जाकर काठमांडू संसद में जाकर कुर्सी जटाकर बैठ जाता है। वैसे फुटहा नेता जनता को सामने हाथ जोड़ता है। क्या हाथ जोड़ने से जनता मान जाएगा? उदल का जनता है। प्रेम से बोलिए बाबा बुलबार, मैया दुर्गा, मैया फूला। सीधे जय, सीधे जय। जनता सब कहीं का उदल का बेइज्जती उस बालक को बनाई। जनता दलल हुआ होता है, दाल बूट चूरा खाने वाले, चलेसर पार्टी और बीच में जाकर भाषण करने वाले। अब की बार कोई नहीं बोलेगा, मैं सबको एक को लाठी चार्ज करूंगा। बोलिए दुर्गा महारानी, बोलिए बाबा बुलबार, मैया फूला। समझ गया, उदल चुनाव में नहीं जीतेगा, वोट से नहीं जीतेगा, लेकिन बंदूक के कुन्ना काठमांडू संसद में जमा लेंगे, कुर्सी जता लेंगे। जनरल से मान जाऊंगा, बालक को मारकर मैं सभी को लाठी दान करूंगा। टंका वाले ढंका बुला देंगे।
कल दूध पीकर नहीं आया था।